आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ज्योतिर्विद विज्ञान संस्थान के तत्वाधान में झंझारपुर की दीप गांव स्थित श्री राधा कृष्ण दुर्गा मंदिर प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजनाथ झा के संयोजकत्व में हुआ। समारोह का उद्घाटन करते हुए झंझारपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशीष आनंद ने कहा, आज योग सभी के लिए उपयोगी है। संपूर्ण व्यक्तित्व और चरित्र को प्रभावित करता है योग। शरीर का स्वास्थ्य और मन की शांति प्राप्त करने के लिए योग को जीवन शैली में शामिल करने की जरूरत है। राजनाथ झा ने कहा कि योग कर्मसु कौशलम अर्थात कुशलता पूर्वक किया जाने वाला कर्म ही योग है, जो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ विधि से किए जाते हैं। उसी कर्म को महापुरुषों ने पूजा भी बताया है, क्योंकि हमारे वही श्रेष्ठ कर्म एक दिन उस परम प्रभु से योग का कारण अथवा प्राप्ति का माध्यम भी बनते हैं। योग विशेषज्ञ श्री हृदय नारायण झा मिथिला की मौलिक योग परम्परा के एकमात्र विशेषज्ञ हैं, जो संस्कृति के सभी आयामों को आत्मसात किया है। योग विशेषज्ञ हृदय नारायण झा ने प्रोटोकॉल योग की प्रार्थना सहित ताड़ आसन, वृक्ष आसन, त्रिकोण आसन, हस्तपाद आसन, वज्रासन, शिथिलीकरण का अभ्यास कराया। तदुपरांत रेचक प्राणायाम, पूरक प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, आत्म ध्यान का अभ्यास कराया। सायंकालीन सत्र में गैस्ट्रिक, गठिया, दमा, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, सिरदर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द के मरीजों को रोग निवारण में सहायक योग अभ्यास का सम्यक मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्राध्यापक द्वारिका नाथ झा, वेद के विद्वान आचार्य बद्रीनाथ झा सहित कई गणमान्य लोग भाग लिए। तृप्ति चौधरी, सुनील वर्णवाल, शशिकांत, राकेश राघव, लल्लन शंकर नारायण झा, विवेकानंद, अमल रामाशीष चौधरी, अभिनव निखिल, मिथिलेश मिश्र आदि, नंद कुमार महतो आदि कई ग्रामीण लोगों ने शामिल होकर योग लाभ प्राप्त किए। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय योग दिवस है सर, इस उपलक्ष्य पे क्या कहना चाहिए? सर प्रथम तो झंझारपुर के निवासी, मधुबनी के निवासी, बिहार, हमारा भारत और पूरे अंतर्राष्ट्रीय पूरे मानव जगत को योग दिवस की बधाई जी। और आज आचार्य राजनाथ बाबा के सानिध्य से इसमें आज योगा में हम लोग योग विश्वविद्यालय जो इनके द्वारा खोला जा रहा है, जिसमें भाग लेने का मौका मिला। खास करके पुलिस पर्सनल के होने के चलते यह बहुत कम मौका मिलता है। अच्छा। और इसके बावजूद कल इनका आदेश हुआ कि आप इसमें ज़रूर शामिल हो, और अर्ली मॉर्निंग हम लोग ज्वाइन किए और लगभग दो ढाई घंटे का एपिसोड चला। गुरुदेव आए हैं पटना से और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। हमने भी बहुत प्रयास किया थोड़ा बहुत योगा सीखने का। निसंदेह हमारे आंतरिक विकास, जो हम लोग वाह्य विकास तो करते ही रहते हैं जी, लेकिन वाह्य जो है सांसारिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए भी योगा बहुत जरूरी है। और यह हमारा पूर्व सनातन धर्म के साथ साथ हमारे पूर्वज, हमारे योगाचार्य, हमारे गुरुदेव का यह मति परंपरा रहा है कि वो सिखाते रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण हम लोगों को सिखाने के लिए, जो कि आत्मिक विकास में बहुत सहायक होता है, इसका सानिध्य मिलता रहा है। इसलिए मैं इस योगा दिवस पर सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और ख़ास करके पंडित हृदय नारायण झा बाबा आए हुए हैं पटना से, इनका सानिध्य पा करके बहुत अच्छा लगा। और बिहार में हम लोग भी हैं, अब तो हम आपके मीडिया के माध्यम से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यह सानिध्य हम लोग को मिलता रहे। हम लोग बच्चे समान हैं इनके, और आचार्य राजनाथ जी का सानिध्य हमको यहाँ से पहले से भी मिलता रहा, यहाँ पोस्टिंग से पहले से भी मिलता रहा, यहाँ जब तक है तब तक मिल रहा। और जितना इनकी सकारात्मक सोच है और जो पहल है ग्रामीण लेवल पर एक योगा विश्वविद्यालय का, जो भी इनके पास जब उद्घाटन हुआ तो उसमें भी मैं आया था। संदेह मैं इनके उज्ज्वल भविष्य का कामना करता हूँ, और जिस तन मन धन से ये लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव सोच के साथ लगे हुए हैं, संदेह बहुत अब आगे चल करके बहुत आगे जाएगा और हमारे सर्व कल्याण विश्व कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे योगा दिवस के? बिल्कुल योगा करें, या हमारे सांसारिक जो विकास है वो तो होता ही रहता है, अपना आत्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी। कैसा अनुभव हुआ सर? बहुत बढ़िया, और मैं बहुत लोग आए भी, शाम का सेशन भी, और देखते हैं समय मिलेगा तो भी ज्वाइन कर। धन्यवाद।